नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाठ्य गुरुकुल। मैं हूं आपके साथ जानवी। दोस्तों, अक्सर हमारे जीमेल अकाउंट की स्टोरेज फुल हो जाती है। जब जीमेल अकाउंट की स्टोरेज फुल होती है तो हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ये दो काम ही करते हैं। क्या? पहला ये कि फटाफट से अपने जीमेल की फालतू की चीज़ों को डिलीट कर दिया जाए, और दूसरा, अगर हम डिलीट नहीं करना चाहते तो जीमेल से हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज लेने के लिए कुछ पे करना पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा स्टोरेज हम परचेज करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों तरीकों से बेटर एक और तरीका है, जिसको इस्तेमाल कर आपको ना तो अपने चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा और ना ही एक्स्ट्रा स्टोरेज परचेज करनी पड़ेगी बार बार। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जीमेल बैकअप की, जिसके बाद आप अपने उस डाटा का इस्तेमाल ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि बिना इंटरनेट के भी हम अपने उस जीमेल अकाउंट के डाटा को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आगे देखिए। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि हम अपने जीमेल अकाउंट का बैकअप अपनी मैक मशीन में लेंगे, यानी कि एप्पल यूजर्स किस तरह से अपने जीमेल अकाउंट का बैकअप ले सकते हैं अपने एप्पल लैपटॉप या कंप्यूटर में। उसके लिए हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा सिस्टूल्स जीमेल बैकअप सॉफ्टवेयर। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टूल्स की वेबसाइट पर जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसके डाउनलोडिंग पेज का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर फटाफट से डाउनलोडिंग पेज पर जाकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। सिस्टूल्स मैक जीमेल बैकअप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद जब हम इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो ये लॉगिन पेज के साथ ओपन होगा, जहां आपको सिंपली यूज़र नेम में अपना जीमेल का यूज़र नेम और पासवर्ड में अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डालना है। यहां आपको एक चीज़ बता दें कि नीचे दिए गई दो शर्तों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके अकाउंट में डबल ऑथेंटिकेशन ना लगी हो, और इसके साथ ही लेस सिक्योर ऐप्स के ऑप्शन को भी आपने इनेबल किया हो, यानी कि टर्न ऑन कर रखा हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहाँ क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट में जाके ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इस तरह से। अब यहाँ सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो हमारा दूसरा पेज खुलेगा सॉफ्टवेयर का, इसमें आप देख सकते हैं ईमेल फॉर्मेट हमें सिलेक्ट करने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही और भी कई ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले यहाँ ईमेल फॉर्मेट्स की बात करते हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट के डाटा का बैकअप किस फाइल फॉर्मेट में चाहते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ दिया गया है EML, दूसरा EMLX, MBOX, MSG और PSD। इनमें से जिस भी फाइल फोल्डर में आप अपना डाटा सेव करना चाहते हैं, यहाँ से हम उस फाइल फॉर्मेट को चूज करेंगे। अब इसके बाद नीचे दिए गए सिलेक्ट डेस्टिनेशन के बटन पे हम ब्राउज पे क्लिक करके अपनी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे, जहां हमें अपना बैकअप लिया हुआ जीमेल का डाटा सेव करना है। यहां आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहां चूज़ पर क्लिक कर देंगे। यहां बैकअप के बाद हमारी फाइल कहां सेव करनी है, हमने डेस्टिनेशन यहां सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद नीचे आपको मिलता है डिलीट आफ्टर डाउनलोड का बटन। इस पर हम चेक करके अगर यस पे क्लिक करते हैं तो जितना भी डाटा हमने अपने जीमेल अकाउंट से डाउनलोड किया है, वो सारा वो जीमेल अकाउंट से ये सॉफ्टवेयर खुद डिलीट कर देगा।
अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस बॉक्स को चेक कीजिए, और अगर डिलीट करना नहीं चाहते डाउनलोडेड डाटा को तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है अप्लाई फिल्टर का, जिस पे क्लिक कर हम कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहला फिल्टर आपको दिया गया है ईमेल फिल्टर, जिसमें हम टाइम इंटरवल्स लगा सकते हैं, जैसे कि एक डेट से कुछ पर्टिकुलर एक डेट के बीच का ही डाटा मुझे चाहिए, तो हम यहाँ डेट के अकॉर्डिंग अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ हम चाहते हैं सिर्फ कुछ फोल्डर्स का बैकअप लेना तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं चेक अनचेक बॉक्स पर क्लिक करके। इसके बाद नीचे दिए गए सिंपली स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे और ये लीजिए शुरू हो चुकी है हमारे जीमेल अकाउंट के डाटा का बैकअप। ये देखिए यहाँ प्रोग्रेस। यहाँ आउटपुट के पाथ पे क्लिक कर हम अपनी जीमेल अकाउंट से बैकअप लिए गए डाटा की फाइल्स को देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से और कुछ ही स्टेप्स में हमने अपनी मैक मशीन में ले लिया है अपने जीमेल अकाउंट के डाटा का बैकअप। अब हम इसे ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बिना इंटरनेट के भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब मर्जी। तो दोस्तों जब भी आपको आगे से जरूरत पड़े अपने जीमेल अकाउंट के डाटा का बैकअप लेने की तो फटाफट से सिस्टूल जीमेल बैकअप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इस्तेमाल करें। एक चीज और, अगर आप इसे एक बार परचेज करते हैं तो आप इसका जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम जवाब जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करके आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं, आप रखिए अपना ख्याल, आगे ही और ऐसी वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे, क्योंकि